एसएससी का मैथमेटिक्स का पेपर देख रहे हैं मार्च 2017 का, जो आउटसेट दिल्ली का था। सेक्शन ए में है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A21 माइनस A7 इज इक्वल टू 84। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? हम जानते हैं कि जो ए एन होता है, एनथ नंबर होता है, वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब A21 के लिए हम यहां 21 रख देंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 20D। ऐसी N की जगह हम 7 रखेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 7 माइनस 1 यानी कि 6D। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, बराबर 84 करना है, तो अपने आप हमारे पास A कैंसिल हो जाएगा, D आ जाएगा। इसी तरीके से किया है हमने, A प्लस 20D से सब्ट्रैक्ट कर दिया A प्लस 6D को, A कैंसिल, 20D 20 और 6 में से 14 बचा, तो 14D इक्वल टू 84, D आपका 6 आ गया। If the angle between two tangents drawn from an external point P to a circle of a radius A and center O is 60 degree, then find the length of OP. कुछ इस तरीके से बन रहा है, जो एंगल ये वाला दिया हुआ है वो आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, हमने ये 30 लिया आधा, और ये P पॉइंट एक्सटर्नल है, ये रेडियस का A है ये वाला, तो आपको लेंथ निकालना है OP का ये वाला। देखिए ये 90 डिग्री है, आप सीधा आप साइन थीटा लगा सकते हैं, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है ए और हाइपोटेन्यूज है ओपी, तो ए बाय ओपी साइन 30 हो जाएगा। हम जानते हैं साइन 30 की वैल्यू क्या है, सीधा आप इसको ओपी को 2 ए लिख सकते हैं, यहां से देख सकते हैं आप। इफ अ टावर 30 मीटर हाई कास्ट शेडो ऑफ 10√3 लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। कुछ इस तरीके से बन रहा है कि ये टावर है और ये 10√3 का के लेंथ का शेडो इनका इस टावर का होता है, 30 मीटर का ये टावर है और आपको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, तो आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है, बेस भी दिया हुआ है, 10 थीटा लगा दीजिए, आप रूट थ्री आ जाएगा, 10 थीटा रूट थ्री कब होता है, जब ये थीटा 60 डिग्री होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रॉटन एप्पल रैंडमली फ्रॉम अ हीप ऑफ 900 एप्पल इज 0.18, व्हाट इज द नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स इन द हीप। तो अगर आप देखें 0.18 क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस पता नहीं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ केसेस तो पता है, 900 एप्पल है, तो हम कैसे निकालेंगे, अगर x या n निकालना है तो सीधा 900 को 0.18 से मल्टीप्लाई करिए, 162 आ जाएगा। अब हम सेक्शन बी देख रहे हैं, इसमें आपको p का मान निकालना है या p का वैल्यू निकालनी है जब एक रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो 6 टाइम्स हो दूसरे रूट के। ध्यान रखिए कि अगर एक रूट हमारा अल्फा है, दूसरा रूट इन्होंने कहा है 6 अल्फा होगा, या x मानिए तो दूसरा 6x हो जाएगा, x इसलिए नहीं रहे क्योंकि ऑलरेडी x है इसमें। अब जो अगर हम इनको ऐड करें तो ये होता है माइनस बी बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर इस तरीके की इक्वेशन हो तो रूट का सम होता है माइनस बी बाय यानी इसका नेगेटिव डिवाइडेड बाय, और अल्फा इंटू बीटा होता है यानी अल्फा इंटू ये 6 अल्फा, ये होता है सी बाय यानी ये और ये सी यहां और ए इसका डिनोमिनेटर। तो अगर हम इसको इससे कंपेयर करें, क्योंकि रूट्स हमारे दिए हुए हैं, इसका मतलब ये है एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस 6 अल्फा, ये यही इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 7 अल्फा एक्स 6 ए अल्फा स्क्वायर। चाहे तो आप इससे कंपेयर कर लीजिए अल्फा प्लस 6 अल्फा और अल्फा इंटू अल्फा, इसके इससे निकाल लीजिए, या फिर आपका दूसरा तरीका यह है एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस 6 अल्फा लीजिए और फिर उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो बना उसको इससे कंपेयर कर लीजिए। जैसे माइनस 7 अल्फा क्या, वो एक ही बात होगी, दोनों एक ही बात है, ये होता है माइनस 14 पी बाय पी और 6 यहां पर आपको 8 बाय पी के बराबर दिख रहा है, तो इससे आपको उत्तर आएगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पी मिलेगा। विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये एक अच्छा सवाल है, हमेशा लास्ट फर्स्ट या पहले से कुछ नंबर या आखिरी से पूछा जाता है। यहां ऐसा पूछा गया है जहां पर
जो पहला नेगेटिव आएगा, ये इस सीरीज में हम चल रहे, पहला नेगेटिव कैसे आएगा, तो उसका सबसे पहले इसमें ए क्या है, ए 20 है, डी कितना है 19 1/4 है, तो 19 1/4 कितना होता है अगर इसको आप करेंगे तो 19 × 4 9 4 36 4 1 4 7 76 + 1 77/4 इसको आप 20 से माइनस करिए, मतलब इसको ये 20 से घटाना है, तो 77 माइनस इसको इससे करिए 80/4 − 3/4, तो जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो −3/4 है, तो a है a प्लस n माइनस वन इंटू डी करिए जो nth टर्म है, ये होगा लेस देन जीरो। अब यहां पर इनइक्वालिटी लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 3n हुआ ग्रेटर देन 83, 3 को ले जाइए तो n ग्रेटर देन 27 2/3 तो टर्म नहीं होता है, इसका नेक्स्ट टर्म लेते हैं 28, तो जो 28 टर्म होगा वो पहला नेगेटिव टर्म होगा। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यहां पर जो एंड पॉइंट्स है कॉर्ड के, वो इक्वल एंगल बनाएंगी, मतलब ये जो टेंजेंट है वो इक्वल एंगल बनाएंगी, यानी आपको बताना है कि ये एंगल और ये एंगल PBA बराबर होगा। अब जब ये टेंजेंट बनाएंगे तो सीधी बात है कि टेंजेंट बराबर होते हैं, किसी भी एक पॉइंट से सर्कल के लिए टेंजेंट बराबर होते हैं, इसका मतलब ये साइड इसके बराबर होगा, और किसी भी ट्रायंगल में अगर अपोजिट साइड बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल बराबर होगा, इसीलिए ये और ये इक्वल है, यानी कि PAB और PBA इक्वल है। दूसरा भी आप ले सकते हैं, यदि टेंजेंट A और B ये पैरेलल हो, हर एंगल जो कॉर्ड के बीच में होगा वो आपका, क्योंकि बिटवीन कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में आपका 90 डिग्री होगा इस तरीके से, और सर्कल टचेस ऑल दी फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। आपको प्रूव करना है AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस DA। अगर हम इस सर्कल को इंस्क्राइब करें इसके अंदर, किसके, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर ABCD। अब देखिए इसमें सिंपल सी बात आपको यह समझनी है कि किसी भी सर्कल के लिए किसी भी पॉइंट से टेंजेंट बनाएंगे तो इक्वल होती है, इसका मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, AP AS के इक्वल है, PB BQ के इक्वल है और CQ RQ के इक्वल है, बस इतना करना है आपको। ये हमने सारे इक्वल कर दिए, अब आप क्या करिए, इसको ऐड करिए, इसको ऐड करिए, मतलब इन चारों को ऐड कर लीजिए, इनको चारों को ऐड कर लीजिए। AP प्लस PB क्या होगा, AB, CR प्लस RD क्या होगा, तो यहां से देखें तो CD, ऐसी ये AD हो जाएगा, ऐसी ये BC हो जाएगा। A line intersect the y-axis and x-axis at the point P and Q respectively. If this is the midpoint of PQ, then find the coordinates of P and Q. एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, पी और क्यू पे। अगर ये 2, -5 मिड पॉइंट है, अगर मैं कुछ इस तरीके से बताऊं आपको, एक ये लाइन हमने ली, इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है 2, -5। जब ये एक्स एक्सिस को टच करेगी तो वाई 0 होगा, ये इस पॉइंट पे, अगर इसको हम माने कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं, तो यहां पर y 0 होगा, तो इसका हम ले लेते हैं a, 0, कोई भी a ले लेते हैं। ये यहां जब इंटरसेक्ट करेगी तो x 0 होगा यहां पर, यानी कि 0, साथ में कुछ भी ले सकते हैं, b ले सकते हैं। अब क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो 0 + a/2 = 2, यानी कि a/2 = 2, a 4 आ गया, b + 0/2 = −5, इससे क्या हो गया, b − 10 आ गया, तो ये दोनों पॉइंट आ गया आपके पास, 0 − 10 और 4 0। If the distances of this from this and this are equal, then prove that this equal to this, 3x = 2y. आपको सीधा distance formula लगाना है, यानी कि x − 5 whole square + y − 1 whole square √ x − −1 x + 1 whole square + y − 5 whole square, बस इसका whole square करना है,
जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सब वाले सारे टर्म कट जाएंगे, आपको ये मिलेगा। सिंप्लीफाई करेंगे 3x इज इक्वल टू 2y मिलेगा। सेक्शन सी देख रहे हैं, इसमें है ये आपके पास इक्वेशन है, आपको ये बताना है यदि AD और BC बराबर नहीं है तो इसके रियल रूट नहीं होंगे। रियल रूट का मतलब क्या होता है, आप डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वेशन है तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यह डिस्क्रिमिनेंट होता है। इसी पर डिपेंड करता है कि इक्वल रूट है, रियल रूट नहीं है या क्या है। तो अगर रियल रूट नहीं है इसका मतलब ये जो चीज है ये नेगेटिव आनी चाहिए आपकी। तो देखिए अगर हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालते हैं, यहां पर देखिए ये जो है यहां से यहां तक इसको बी लेंगे आप, यहां पर रखेंगे, ये ए होगा ये पूरा और ये पूरा होगा सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी रख दीजिए। जैसे आप लेंगे, आप अगर इसको ब्रैकेट में डालेंगे फोर कॉमन माइनस फोर कॉमन लेके, तो आप देखेंगे कि ये जो चीज है ये नथिंग बट ए बी माइनस बी सी स्क्वायर है, ए बी माइनस बी सी स्क्वायर यही होता है। अब ए डी माइनस बी सी स्क्वायर किसी भी चीज का स्क्वायर तो नेगेटिव नहीं हो सकता, हो सकता है माइनस एक्स का मैं स्क्वायर करूं तो वो एक्स होगा, एक्स का स्क्वायर करूं तो भी एक्स होगा, है ना, तो ये तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब आगे माइनस फोर है, इसका मतलब ये फोर तो कॉन्स्टेंट है, ये माइनस आ गया, इसका मतलब ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आपका नेगेटिव आ रहा है क्योंकि डी लेस देन जीरो है और आपने कहा एडी और बीसी बराबर नहीं, एडी बीसी बराबर हुए तो जीरो हो जाएगा और सारी चीज जीरो हो जाएगी। हमने कहा एडी और बीसी बराबर नहीं, अगर एडी बीसी बराबर नहीं है तो इसका कोई ना कोई मान होगा जो पॉजिटिव में आएगा, एडी बीसी बराबर नहीं है तो इसका मतलब डी डिस्क्रिमिनेट इस माइनस में आ रहा है और अंडर रूट माइनस माइनस में वैल्यू, इसका मतलब यह है कि इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं है। जो पहला टर्म है एपी का वो पांच है, आखिरी टर्म आपका पैंतालीस है और जो सम है इस इनके टर्म के वो 400 है। आपको एन निकालना है कितने टर्म्स है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर हम एस एन निकालना चाहे तो हम सीधा करेंगे एन बाय टू ए मतलब पहला वाला और एल वाला मतलब लास्ट टर्म, तो एन बाय टू ए प्लस एल, ए पांच दिया हुआ है क्वेश्चन में, एल 45 दिया हुआ है, इसको बराबर कर देंगे 400 के यानी कि सम के एन टर्म्स के, इसको जब बराबर करेंगे इसे एन निकल के आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एन 16 आएगा। अब आप देखिए कि जब एन आपके पास आ गया तो एनएथ टर्म तो मिला ही हुआ है आपको 45, यानी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये एनएथ टर्म आपका 45 है, ए की जगह आप 5 रख दीजिए, एन की जगह क्योंकि अभी एन हमने 16 निकाला तो यहां 16 माइनस 1 15 आ जाएगा और कॉमन डिफरेंस क्या है डी, कॉमन डिफरेंस आपका पता नहीं है अभी, इसको 45 पर के बराबर कर दीजिए, इसको सॉल्व करिए डी आ जाएगा 8/3। ऑन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ अ टावर टू पॉइंट सी एंड डी आर एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 16 मीटर फ्रॉम द फुट रिस्पेक्टिवली, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम सी टू डी ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर आर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, दो एंगल का सम कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि अगर दो एंगल है तो सम उसका 90 डिग्री होगा, आपको हाइट निकालना है टावर का। तो अब क्या करेंगे, इसका पहले डायग्राम देख लीजिए, आप ध्यान से देखिए कि यहां पर दो पॉइंट सी और डी एक स्ट्रेट लाइन में है, ये फुट है टावर का, इसका डिस्टेंस 4 है, इसका डिस्टेंस आपका 16 है, यहां से इसका डिस्टेंस ए सी आपका 4 है और ए डी आपका 16 है। यदि एंगल ऑफ एलिवेशन इस सी और डी से, ये जो टॉप है, टॉप को हम बी मान लेते हैं, फुट को ए मान लेते हैं, ये जो टॉप क्योंकि जितने करीब होंगे उतना ज्यादा एंगल होगा तो ये ज्यादा बड़ा एंगल है थीटा, और अगला जो होगा वो क्योंकि मैं कह रहा हूं कि इस ये और ये एंगल मतलब तो थीटा प्लस मान लीजिए फाई, मान लीजिए ये 90 डिग्री है तो फाई कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो इसकी जगह 90 माइनस थीटा रख सकते हैं, अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा। आपको हाइट निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप करिए टेन थीटा, ये हो जाएगा एच बाय फोर, फिर टेन 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा एच बाय 16, टेन माइनस 90 माइनस थीटा थीटा होता है कॉट थीटा, ठीक, दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई दोनों साइड को, टेन और कॉट कट जाएंगे और यहां से ये आपको रिजल्ट आ जाएगा। देखिएगा टेन थीटा क्या है एच बाय 4, टेन 90 माइनस थीटा एच बाय 16, कॉट थीटा क्या हो गया एच बाय 16, ये टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, वन और टू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, टेन कॉट से 10 होता है 1 बाय कॉट या कॉट होता है 1 बाय 10,
ये दोनों आपके दोनों लेफ्ट हैंड साइड वाले कट जाएंगे, राइट हैंड साइड में आएगा एच स्क्वायर बाय 16 इंटू 4, एच स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू 4, इसका रूट निकालिए, एच आपका 8 आएगा। अ बैग कंटेन 15 व्हाइट एंड सम ब्लैक बॉल्स, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट ऑफ अ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन द बैग। अब 15 व्हाइट है और मान लीजिए ये 15 व्हाइट बॉल है और आपको ब्लैक बॉल पता नहीं, एक्स ब्लैक बॉल मान लीजिए, तो प्रोबेबिलिटी जो है ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम दी बैग, प्रोबेबिलिटी पहले निकालते हैं ब्लैक बॉल की कितनी होगी, कुल मिला के कितना हो गया 15 प्लस एक्स, ये हमारे पूरे पूरे केसेस हुए जितने पॉसिबल केस है, और 15 प्लस एक्स हो गया। अब यहां पर ब्लैक बॉल निकालने की, क्योंकि ब्लैक एक्स है तो एक्स फेवरेबल केस हो गए, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई ब्लैक बॉल के लिए। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए आप किसकी, व्हाइट बॉल की, डब्लू कर देते हैं इसको, व्हाइट बॉल कितने 15, फेवरेबल केसेस है 15, कुल मिला के कितने केसेस है 15 प्लस एक्स। अब इन्होंने दिया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस, इज थ्राइस, यानी अगर ये पीबी और पीडब्ल्यू में रिलेशन स्थापित करूं तो कितना होगा, देखिएगा यहां पर अगर मैं ये इसको एक्स या एन मान लेता हूं तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल है वो थ्राइस है व्हाइट बॉल, तो पी बी इक्वल टू, ये पी बी आपका होगा 3 इंटू पी डब्ल्यू, वही हमने यहां पर किया, तो एन 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 और एक्स एक ही बात है, एन बाय 15 प्लस एन इज इक्वल टू 3 इंटू 15 बाय 15 प्लस एन, यानी कि दिस इज इक्वल टू 3 इंटू दिस इज इक्वल टू दिस, आप इसको एन सॉल्व करेंगे आपको एन 45 आएगा। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये जो पॉइंट है, सबसे पहले समझिए कि हम इसको मानते हैं पी, ये पी है, ये पी है, ये क्यू है, ये ए पॉइंट है जिस जो हम दिया है 24 बाय 11 और वाई, हम कहते हैं कि ये केस टू वन में डिवाइड कर रहा है, तो केस टू वन मतलब 3 इंटू के प्लस 2 इंटू 1 बाय के प्लस 1 विल बी इक्वल टू 24 बाय 11, इसको सॉल्व करेंगे के आपका 22 बाय 9 आएगा, यानी रेशियो आपका 2 बाय 9 आ गया, के आपका आ गया 2 बाय 9, 2 इज टू 9 हो गया। अब y के लिए आते हैं, y के लिए कैसे करेंगे, क्योंकि हमको k मिल चुका है 2 बाय 9 है ना, तो 7, अब देखिए y के लिए क्या करेंगे, 2 y जैसे हमने x के लिए किया था बिल्कुल वैसे ही करना है, जैसे हमने 2 इंटू दिस किया था ना, 2 इंटू दिस प्लस 3 इंटू दिस, अब यहां पर करेंगे माइनस 1 इंटू 2 बाय 9 माइनस 2 इंटू 2 बाय 9 प्लस 7 इंटू 1 बाय 2 बाय 9 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे ये होगा y के बराबर, ये आएगा माइनस 4 बाय 11। अब ध्यान रखिएगा m2 x1 प्लस m1 x2 बाय m1 प्लस m2 होता है, m1 m2 हमने k इज टू 1 लिया है, तो इससे सीधा आप करेंगे k इंटू x1 प्लस x2 बाय k प्लस 1। इसी तरीके से जब y का निकालना होगा तो फॉर्मूला इसमें क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे k इंटू वाई वन प्लस वाई टू बाय के प्लस वन, बस ये लगाएंगे, ये वैल्यू आप रखेंगे, आपको पता है y1 क्या है, y1 ये है, y2 ये है, इसमें रखेंगे आपको ये वैल्यू आएगी। तीन सेमी सर्कल है, हर एक का डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, इसका 3 सेंटीमीटर, इसका 3 सेंटीमीटर, इसका 3 सेंटीमीटर, और एक सर्कल ऑफ डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर एंड अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, इसको इस तरीके से बनाएंगे, आपको शेडेड रीजन निकालना है, तो अब क्या करेंगे, शेडेड रीजन निकालना है तो इसका तात्पर्य यह है कि सबसे पहले हम इस ये सबसे बड़ा जो दिख रहा है आपको इस पूरे का एरिया निकाल लें, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पूरे सर्कल का होता था हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, तो इस पूरे का कितना होगा, ये देखिए 3 प्लस 3 प्लस 3 ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, 3 प्लस 3 प्लस 3 9 9 है ना, ये 9 हो गया, अब 9 बाय 2 ये रेडियस, पूरा डायमीटर 9 हो गया, 9 बाय 2 आपका हो गया रेडियस, तो हाफ इंटू पाई 9 बाय 2 क्या होता है 4.5 होल स्क्वायर, ये तो पूरे का आ गया, चलिए ये तो काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, ये और ये और ये
तीनों इसमें से माइनस कर देते हैं, एक दो तीन, तो इन तीनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। इसका क्या है, पाई इंटू आर, आर क्या है थ्री बाय टू, पूरा डायमीटर थ्री है ना, थ्री बाय टू होल स्क्वायर, और इसका हाफ नहीं कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों जोड़ेंगे तो हाफ करूंगा, टू इंटू हाफ किया, हाफ क्यों किया, क्योंकि इसका निकालना है, लेकिन टू ये दोनों है तो टू इंटू हाफ किया तो ये हट गया, तो पाई इंटू थ्री बाय टू होल स्क्वायर, ये इन दोनों का हो गया। ठीक, अब इसमें आते हैं, जो सर्कल है इसका सर्कल, इसका डायमीटर आपका 4.5 है, उन्होंने कहा 4.5 का है, तो इसका हो जाएगा पाई इंटू 4.5 बाय 2 का होल स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा, इनका एरिया निकल गया, इनका एरिया निकल गया, इनका एरिया निकल गया, तो इसमें से आप ये और ये माइनस कर दीजिए। अब आखिर में ये जोड़ना है तो पाई इंटू 3 बाय 2 होल स्क्वायर, ये जोड़ दीजिए, ऐसे कर सकते हैं। तो एरिया सेमी सर्कल का क्या होगा, पाई बाय 2 9 बाय 2 होल स्क्वायर, ये तो आप समझ गए, ये वाला पहले आ गया। फिर एरिया जो रीजन है ए का, ये 9 बाय 4 पाई इंटू 9 बाय 4 होल स्क्वायर, ये भी हमने ले लिया। फिर एरिया ऑफ बी प्लस सी, इसका और इसका निकाला हमने, ये आ गया पाई इंटू 3 बाय 2 होल स्क्वायर। अब इसका ये जो एरिया, एरिया रीजन डी है, ये वाला ये 3 है ना, 3 बाय, ये वाला एरिया 3 बाय 2 होल स्क्वायर, ये हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इस पूरे वाले में, पूरे बड़े वाले में ये हटा दीजिए, ये और ये हटा दिया, क्योंकि ट्वाइस कर दिया था ना यहां पर, ये बी प्लस सी एक साथ लिया था। अब इसमें ये तीसरा जोड़ दीजिए, ये वाला, ये आपका 99/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये जो फिगर दिया है इसमें दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, सेंटर वो दिया हुआ है, और रेडियस इसका आपको 21 और 42 दिया हुआ है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक का रेडियस आपका 21 है, दूसरे का 42 है। अगर AOB आपका 60 डिग्री है, आपको एरिया निकालना है शेडेड रीजन का। ये कैसे निकालेंगे, ये शेडेड रीजन है, तो पहली चीज तो ये है कि हम क्या करते हैं, पाई बड़े वाले का एरिया क्या होगा, पूरे का एरिया निकालेंगे, सबसे बड़े वाले का, पाई इंटू 42 पाई आर स्क्वायर, इस पूरे का। अब ये अंदर वाले का एरिया निकालते हैं, ये कितना होगा, पाई इंटू 21 स्क्वायर, इसको इससे घटा देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये शेडेड रीजन पूरा यहां तक आ जाएगा, पूरा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें, इस पूरे में, क्योंकि हमें ये पूरा का पूरा मिल चुका है, हमको केवल ये एरिया निकालना है, तो हमें ये घटाना पड़ेगा, ये वाला एरिया घटाना पड़ेगा। अब ये कैसे घटेगा, इसको देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, एरिया जो रीजन लिया, पाई इंटू 21 स्क्वायर, 42 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, ये तो समझ गए थे आप, ये तो हमने निकाल लिया। इससे हमको ये ए बी सी डी निकालना है, ये कैसे निकलेगा, इस पूरे सेक्टर से ये वाला सेक्टर माइनस कर दीजिए। अब सेक्टर का क्या होता है, पाई बाय 360 थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो होता है। बड़ा वाला सेक्टर क्या होगा, पाई इंटू 42 स्क्वायर, छोटा वाला क्या होगा, पाई इंटू 21 स्क्वायर, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो ये क्या आएगा, पाई इंटू 60 बाय 360 42 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, तो अब हमारे पास ये वाला एरिया आ गया। यहां पर हमने क्या किया कि ये एरिया इस रीजन का निकाल दिया। अब जब हमने इस पूरे को निकाला तो ये जब ये वाला बाहर वाले सर्कल से अंदर वाले को माइनस किया तो ये पूरा रीजन आ गया ना, लेकिन उसमें ये रीजन तो हटाना है ना, ये वाला, तो इस रीजन को हम हटा देंगे इसे, इसलिए ये वाला रीजन माइनस दिस रीजन, ये वाला एरिया, तो इससे आपका 3465 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। वाटर जो कैनाल में है 5.4 मीटर वाइड है, 1.8 मीटर डीप है, ये वो फ्लो कर रहा है, स्पीड उसका 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाउ मच एरिया कैन इट इरिगेट इन 40 मिनट, 40 मिनट में कितना इरिगेट करेगा, इफ 10 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन। ध्यान रखिए 40 मिनट दिया हुआ है, ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर है पहले तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, 40 मिनट है या तो आप इसको आवर में चेंज कर दीजिए, 40/60 कर दीजिए, आवर में चेंज हो जाएगा, या इसको आप मिनट में चेंज कर दीजिए, दोनों ही तरीके हो सकते हैं। अब देखिए कि इस जगह पे आइए, सबसे पहले जो कैनाल है उस कैनाल में ये आपका विड्थ है, ये डेप्थ है, ये विड्थ और डेप्थ है, विड्थ और डेप्थ हमने लिया
और इसका जो पानी बह रहा है वो कितना है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब आपका 25 किलोमीटर अब हम केवल एक घंटे के लिए निकाल रहे हैं, तो ये अगर पूरा कैनाल है इस तरीके से मानिए, डब्बे की तरह मानिए इस तरीके से, जब कैनाल में पानी यहां से आता है एक घंटे में हम ढूंढ रहे हैं, तो कितना हुआ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 5.4 इंटू 1.8 मीटर, तो ब्रेथ और 1.8 मीटर दिया हुआ है, इसकी लेंथ हम ले रहे हैं 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 25 किलोमीटर है, तो 25,000 में हम इसको मीटर में चेंज कर दिए। ठीक, तो अब इसको देखिएगा एक घंटे में यानी कि 60 मिनट में ये इतना है 5.4 इंटू 1.8 इंटू 25,000, तो 40 मिनट में कितना होगा दिस मतलब इसको x मान लेता हूं, तो x बाय 60 इंटू 40 यही हमने यहां पर किया हुआ है 60 मिनट मतलब एक घंटे किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो एक घंटे में इतना 40 मिनट में इतना यानी कि 40 मिनट में आपको इतना मीटर क्यूब मिल रहा है। अब यहां पर आइए 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर है, 10 सेंटीमीटर हमको रिक्वायर्ड है इरिगेशन में, तो कितना एरिया कवर करेगा, तो बस यहां पर क्या करिए एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और ये 10 सेंटीमीटर हाइट इसकी दी हुई है, इसको बराबर कर दीजिए इसके बराबर क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है, अगर एरिया निकालना है लेंथ इंटू ब्रेथ तो हाइट को यहां नीचे ले जाइए, यानी हाइट क्योंकि 10 सेंटीमीटर मीटर में हम मीटर में चेंज कर चुके हर चीज को, तो 0.10 मीटर हो जाएगा, तो इसको जब पॉइंट ये 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि एरिया आएगा वो इतना हो जाएगा। जो स्लैंट हाइट है फ्रस्टम की वो 4 सेंटीमीटर है, और जो पेरीमीटर है उसके सर्कुलर एंड का वो इतना और इतना है, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है फ्रस्टम का। पहले तो आप ये देखिए कि आपका फ्रस्टम कुछ इस तरीके से है, सर्कुलर एंड्स चलिए इस तरीके से बना देते हैं, ऐसा है स्लैंट हाइट इसकी दी हुई है 4, यहां पर जो पेरीमीटर है इस एंड का पेरीमीटर यानी कि 2πr तो है, इसका 2πr1 मान लीजिए वह है 18, नीचे वाले का आएगा 2πr2 कर देते हैं, यह 4, तो इससे हमें r1 और r2 मिल जाएगा, r1 आप कर लीजिए 18 बाय 2π आ जाएगा और r2 हो जाएगा 4 बाय 2π, ये तो r1 r2 आ गया। अब l आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड 4, 2πr1 दिया है 18, 2πr2 आपको दिया 6, आप चाहें तो केवल πr1 निकालिए क्योंकि πr1 हम डायरेक्ट फॉर्मूले में यूज कर लेंगे, या फिर आप सीधा भी ऐसे भी निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। कर्व्ड सरफेस एरिया फर्स्ट टर्म का होता है पाई इंटू r1 पाई r1 प्लस r2 इंटू l। अब इसको हम पाई r1 प्लस पाई r2 लिख सकते हैं, इसीलिए हमने इसको और सिंप्लीफाई नहीं किया, जो मैंने अभी यहां बताया था ना सिंप्लीफाई नहीं किया, पाई r1 9 है पाई r2 3 है, सीधा यहां रख दीजिए इसकी जगह 9 इसकी जगह 3, l आपको दिया हुआ है 4, या फॉर्मूले में रखिए 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। जो डायमेंशन है सॉलिड आयरन क्यूबॉइड के वो ये है, इसको मेल्ट किया रिकास्ट किया इसको हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप में, उसके अंदर की जो इनर रेडियस है वो 30 है और थिकनेस 5 है, आपको लेंथ निकालना है पाइप का, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर होगा यानी 4.4 इंटू 2.6 इंटू 1.0 विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सीधा निकाल लीजिए 4.5 इंटू 2.6 इंटू 1.0। अब देखिए यहां पर एक थोड़ा सा केस है क्योंकि सिलेंड्रिकल पाइप कुछ इस तरीके से है, ये अंदर इस तरीके से है, इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, बाहर का अंदर से हमको माइनस करना पड़ेगा, मतलब अंदर वाला लिया बाहर से हम माइनस करेंगे क्योंकि हॉलो है, तो अंदर वाले का रेडियस है 30 वो तो दिया हुआ है, और क्योंकि इसकी थिकनेस 5 है तो 30 प्लस 5 यानी कि बाहर वाले का रेडियस होगा 35, अंदर वाले का होगा 30, तो हम क्या करेंगे इनको माइनस करेंगे यानी पाई आर टू होल स्क्वायर एच माइनस पाई आर वन स्क्वायर एच, यहां पर लेंगे 35 आर टू को, यहां पर लेंगे 30, यहां पर हम इसको कर लेंगे। अब इसमें आपका सवाल उठाएगा कि ये मीटर में है और ये 30 सेंटीमीटर है, तो हमको इसको 30 और 5 हमें सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए हमने इसको मीटर में चेंज किया, इसीलिए हमने 100 स्क्वायर से डिवाइड किया। यहां पर आप पाई आर स्क्वायर एच दोनों को माइनस करके इसको किससे बराबर कर देंगे 4.4 इंटू 2.6 इंटू
जो आपका वैल्यू आता है, ये वाले से जो ये आया, और इससे हम एच निकाल लेंगे, एच आपका 112 मीटर आ जाएगा। दोनों को इक्वेट करना, बस ये ध्यान रखना, बस ये चीज इसमें मेन है। और यूनिट चेंज करना है, कभी भी मीटर को मीटर के साथ कंपीट कराते हैं या फिर कंप्यूट कराते हैं, कभी भी मीटर सेंटीमीटर के साथ नहीं होता। अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर को, या तो किलोमीटर और मीटर है तो या दोनों को किलोमीटर में चेंज करिए या दोनों को मीटर में चेंज करिए। ऑप्शन डी, आपको एक्स के लिए हल करना है ये, तो सो क्या करेंगे आप, इसका जो नॉर्मल तरीका है, हम क्या करेंगे, पहले 5x plus 1 into 1 plus 3 into x plus 1 by x plus 1 into 5x plus 1, ये आ जाएगा। फिर x plus 4 को पूरे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि x plus 1 5 x plus 1 यहाँ आ जाएगा और x plus 4 इधर आएगा, बाकी जो 5x plus 1 into 1 किया और 3 into x plus 1 किया यहाँ आ गया, राइट। उसके बाद हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, पूरा उसको सॉल्व कर सकते हैं, x plus 1 5x plus 1 5x का प्लस 6x plus 1 6x plus 1 बन जाएगा, ये आपका और सॉल्व हो जाएगा, x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को एक साइड लाएंगे तो आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसका फैक्टर लेंगे तो x आपका माइनस 11 बाय 17 आएगा, x 1 आएगा। टू टैप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन दिस आवर्स 3 1/13 आवर्स, दो टैप एक साथ चल रहे हैं इतने देर में पानी भर देंगे। अगर एक टैप तीन घंटे ज्यादा लगाता है दूसरे से, देन हाउ मच टाइम विल ईच टैप टेक टू फिल द टैंक। इसका यूनरी तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी है, तो इसको इस तरीके से करते हैं। पहले आप मान लीजिए कि एक टैप जो है वो एक्स घंटे में भरता है, तो दूसरा कितने में भरेगा, देखिए एक एक्स है तो दूसरा तीन आवर ज्यादा लेता है, अगर ये घंटे में ले रहे हैं, देखिए ध्यान में रखिएगा एक्स को घंटे में लेंगे तभी तीन इसमें ऐड कर पाएंगे एक्स प्लस थ्री, एक भरता है एक्स में दूसरा भरता है एक्स प्लस थ्री में। तो देखिए जो ये 3 into 1/13 दिया हुआ है, ये है क्या, 3 into 13 यानी कि 39 प्लस 1 यानी 40 by 13 है। अब एक घंटे देखिए एक्स ये आपका है एक्स, ये कितने में है, वन टैप इन वन आवर, तो ये एक आवर में कितना भरेगा ये वाला, अगर x आवर में पहला टैप भरता है तो 1 आवर में ये पहला वाला टैप कितना भरेगा 1/x। ऐसे x प्लस 3 पाइए, x प्लस 3 आवर्स में ये टैप भरता है तो 1 आवर में कितना भरेगा 1/x प्लस 3। इन दोनों को ऐड करेंगे तो किसके बराबर आएगा, जो ये एक घंटे में भरता है, और ये कितना होगा, ये होगा 40/13 आवर ये पूरा भरता है, तो एक आवर में ये कितना भरेगा 13/40, तो इन दोनों का जोड़ 1/x प्लस 1/x प्लस 3 हो जाएगा 13/40। इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 3 यहां करेंगे, x यहां करेंगे, फिर x x प्लस 3 को यहां ले जाएंगे, 40 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, एक x नेगेटिव आएगा इसको छोड़ देंगे, x इक्वल टू 5 आएगा, ये आ जाएगा। तो एक 5 घंटा एक 8 घंटा अगर सेपरेटली काम करेंगे। ये क्वेश्चन इस तरीके से ना कि एक दो आदमी या 5 आदमी इतने देर में काम करते हैं, या दो आदमी इतने देर में काम करते हैं, दो आदमी इतने देर में 5 घंटे में काम करते हैं, तो ये आदमी कितने में करेगा, ये आदमी अलग अलग कितने में करेगा, वो उसी तरीके से होता है। इसमें क्या होता है कि जो चीज दी हुई है उसको 1/x करते हैं, इसको भी 1/x करते हैं, दोनों को जोड़ के इसका भी 1/x कर देते हैं, उनका इन्वर्जन ऐड करके इन्वर्जन के बराबर कर देते हैं। यदि रेशियो है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द टू एपी इज दिस, पहले n टर्म्स दो अलग अलग एपी है उनका रेशियो ये है, आपको रेशियो निकालना है उसके नाइन्थ टर्म का, तो ये Sn क्या है, सम है ये, Sn होता है 2n/2 2a + n/2 2a + n-1 d। दूसरे के लिए हम जरा a डैश और d डैश मान लेते हैं, दूसरा अलग है ना, तो एक के लिए हमने a जो है पहला टर्म ये मान लिया, कॉमन डिफरेंस ये मान लिया, दूसरे के लिए जो सम Sn s डैश n किया, यहाँ a डैश मान लिया या d डैश मान लिया, इसका जो रेशियो है वो आपको 7n+1/4n+4n/27 दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको जरा सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व किस तरीके से किया हमने कि a प्लस हमने क्या किया कि n बाई टू, ये तो खैर कैंसिल हो गया n टर्म जो है, अब दोनों को ये पूरे को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, इसको 2 से, इसको 2 से, इसको 2 से, इसको 2 से, तो कितना आ गया a प्लस n माइनस 1 बाई टू डी ए डैश प्लस n माइनस 1 बाई टू डी डैश। अब हम चाहते हैं कि रेशियो हो नाइन्थ टर्म का, तो हम क्या करेंगे, नाइन्थ टर्म मतलब होता है एट्थ, n माइनस 1 लेते हैं ना उसमें, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये एट्थ ही तो हुआ, तो इसको आप बराबर कर दीजिए n माइनस 1 बाई टू को 8 के बराबर, क्योंकि 9 टर्म के बारे में बात हो रही है, तो n कितना होगा, 2 इधर ले जाइए 17, 8 to the 16 प्लस 1 कर दीजिए आप, 8 to the 16 प्लस 1 कर दीजिए 17,
10 हो गया 17, तो n की जगह 17 डाल दीजिए, यहां भी 17 डाल दीजिए। ये जैसे 17 डालेंगे आप देखेंगे a प्लस एट डी, ए डैश प्लस एट डी, और यहां पर जैसे t9 बाई ए इसको डिवाइड करेंगे तो आपका यहां पर इस टर्म में जैसे आपका यहां पर n आ गया तो इसका डिवीजन क्या आ गया, अब n की जगह क्या, ये तो डिवीजन आ गया लेकिन इस जगह पे आपको रखना है n को क्या लिखना है 17, इसकी जगह क्या रखना है 17, तो 7 इंटू 17 प्लस 1 120, 4 इंटू 17 प्लस 27 आपका 95, ये 24/99 का। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ऐसा आपका सर्कल है, आपको प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है, तो हम क्या करेंगे सेंटर ज्वाइन करेंगे, ये आर है ये भी आर है, इसको ज्वाइन कर देंगे ये कॉमन हो गया, ये दोनों ट्राइंगल जो है इसमें ये कॉमन हो गया, ये दोनों साइड बराबर होगा और ये 90 डिग्री होगा क्योंकि टेंजेंट जो होता है वो रेडियस से 90 डिग्री होता है, तो आरएचएस रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये साइड के बराबर हो गया, बस इतना ही करना है। फॉर्मली अगर देखना चाहें तो इस तरीके से है, इसमें क्या किया गया है एक सर्कल लिया गया, ये पॉइंट आपका टी माना, ये पी है ये क्यू है, इस सेंटर से ओ को ज्वाइन कर दिया और ओ को टी से भी ज्वाइन कर दिया, अब देखिए ओटी कॉमन है, ओटी ओटी कॉमन है, ओपी और पी क्यू बराबर है क्योंकि ये रेडियस है आपके सर्कल के, ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल 90 डिग्री क्यों, क्योंकि टेंजेंट जो है रेडियस से 90 डिग्री होता है, तो ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसी कारण से पीटी और टी क्यू बराबर हो जाएंगे। इस फिगर में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स है, सेंटर वो है, एक और टेंजेंट आपकी इस तरीके से ए भी बनाई गई, ये देखिए एक और टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसका सी है और ये एक्स वाई पे ए पे इंटरसेक्ट कर रही है और एक्स डैश वाई डैश पे बी पे, आपको प्रूव करना है कि ए ओ बी, ये ए ओ बी ये पूरा 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, कैसे करेंगे इसको 90 डिग्री, इसको देखते हैं बहुत ध्यान से देखिए, ये जो पी ओ ये वाला ट्राइंगल जो है पी ओ ए और ओ सी ए, ओ सी ए इसमें ये ए से जो टेंजेंट गई है ये पी ए बराबर हो गया पी ए सी के, क्योंकि एक एक पॉइंट से जो टेंजेंट बनता है सर्कल पे वो बराबर होता है, ये रेडियस है और ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया ये रेडियस के बराबर हो गया, ये कॉमन है, तो ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसी तरीके से ओ क्यू बी यानी कि ओ क्यू बी और ओ सी बी ये और ये ट्राइंगल, इसमें ये रेडियस है ये रेडियस है, ये कॉमन है ये कॉमन है और ये दोनों टेंजेंट है बी पॉइंट से, तो ये दोनों भी आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब ए ओ बी क्या हो गया, ए ओ बी किसके बराबर हुआ, ए ओ सी प्लस सी ओ बी, इसके और इसके बराबर तो हुआ, यानी हाफ ऑफ दिस प्लस हाफ ऑफ दिस, यानी कि हाफ ऑफ पी ओ सी प्लस सी ओ क्यू, हाफ ऑफ पीओसी ये वाला पीओसी प्लस हाफ ऑफ पीओक्यू, क्योंकि हमने कहा कि ये दोनों आपके ये दोनों को हमने किया कि कॉन्ग्रुएंट है, ये भी को हमने किया कॉन्ग्रुएंट है, तो ये और ये बराबर है ना, तो हमने कहा इसको आधा है पीओसी के, इस पीओसी के इसका इसका आधा हो गया और ये वाला एंगल जो है ये इसका आधा हो गया, और पीओसी प्लस पीओक्यू क्या है, पीओसी देखिए पीओसी प्लस सी ओ क्यू क्या है, ये पूरा का पूरा एंगल हो गया, ये 180 डिग्री कुल मिला के 180 डिग्री है, ये हाफ 180 डिग्री कितना होता है 90 डिग्री, तो प्रूव हो गया है कि ये एंगल 90 डिग्री। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी विद साइड बीसी बी 45 डिग्री ए 105, देन कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3/4 टाइम्स द करस्पोंडिंग साइड्स ऑफ एबीसी। ये आपको खुद कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन वाली बात है, इसमें आप क्या करिए इस तरीके से बीसी बनाइए या ये एंगल ए दिया हुआ है, चलिए एक काम करते हैं पहले बीसी बना के देखते हैं, बीसी बनाइए सात का डिस्टेंस, फिर ये बी है ये सी है, बी पे 45 डिग्री बना दीजिए, अब आपको एंगल ए जो है वो 45 डिग्री देना है, 105 डिग्री देना है, तो यहां आप क्या काम करेंगे ऐसे नहीं बनेगा, ये आप लीजिए इसको ए और बी, ए आप लेंगे ए और बी है ना, ए और बी आपको अभी मिला नहीं है क्योंकि हमें तो बीसी का डिस्टेंस पता था, ये बीसी हमारे पास 7 है और ये ए एंगल जो है वो 105 डिग्री, तो रफ एक अगर बनाए तो ये 105 है, मतलब 105 मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल है, इस तरीके से बनेगा 90 से ज्यादा ना कुछ इस तरीके से बनने वाला है, ये आपका 105 डिग्री है
और ये आपका कितना है 45 डिग्री, और ये बी सी आपको दिया हुआ है 7, कुछ इस तरीके से बनने वाला है। तो कैसे बनाएंगे इसको, इसमें क्योंकि साइड नहीं दिया हुआ है तो इसका मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ये देखिए 105 है, ये 45 है, तो ये कितना होना चाहिए, 180 में से इन दोनों को माइनस कर दीजिए, मतलब 105 में 45 जोड़िए, कितना हुआ 150 हो गया, 150 इससे माइनस करिए 30, ये 30 डिग्री हो गया ना। अब आपको क्या करना है, अब आप यू बी सी बनाइए, यहां से 45 डिग्री, यहां से आपका 30 डिग्री, 45 बना लेंगे आप, 30 डिग्री बना लेंगे, ये 7 है, यह इंटरसेक्ट करेगा, ये 105 अपने आप होगा, समझ गया। अगले वाले का भी ऐसे करना है, 3/4 टाइम्स लेना है, ये साइड आप मेजर करिए, 3/4 ऑफ 7 लीजिए, यहां पर आप 3/4 7 लेके बस केवल एक काम करिए, यहां आप 45 डिग्री बना दीजिएगा, यहां 30 डिग्री बना दीजिएगा, अपने आप ये इंटरसेक्ट होगा, तो ये अपने आप यही साइड 3/4 साइड हो जाएगा। एरोप्लेन है ये 300 की हाइट पे चल रहा है, इस साइड पे चलने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन इस एरोप्लेन से दो पॉइंट के जो बैंक्स है रिवर के दो किनारे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, वो 45 डिग्री और 60 डिग्री, आपको विड्थ निकालनी है रिवर की। तो कुछ इस तरीके से बन रही है, हवाई जहाज यूं चल रहा है, ये बैंक है मतलब किनारे है, एक का ये 60 डिग्री है, एक का 45 डिग्री है, और ये 300 की हाइट पे है, बेसिकली डिप्रेशन एंगल 60 ये है, इसलिए हमने इसको 60 लिया, ये 45 है तो ये भी 45 है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास हम ये डिस्टेंस लेते हैं एक्स, ये लेते हैं वाई, हमको निकालना है विड्थ, तो एक्स प्लस वाई निकालना पड़ेगा, तो 1060 लेंगे पहले, 1060 क्या होगा 300 बाय एक्स, इससे एक्स निकल आएगा, फिर 1045 लेंगे 300 बाय वाई, 1045 1 होता तो वाई 30 के बराबर हो जाएगा, 300 के बराबर हो जाएगा, तो वाई 300 हो गया, एक्स आपका इससे आएगा, दोनों को एक्स प्लस वाई ऐड कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी 1045, यानी कि वाई 300, 1060 मतलब रूट थ्री हो गया 300 बाय एक्स, एक्स यहां से आप रूट थ्री की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, 100√3, इन दोनों को ऐड कर दीजिए 473.2 आ जाएगा। यदि ये पॉइंट ये कोलिनियर है तो आपको वैल्यू निकालना है के का, कोलिनियर है मतलब अगर हम इनको ट्राइंगल के पॉइंट माने तो कोलिनियर मतलब ट्राइंगल का एरिया जीरो होना चाहिए, तो ये तीनों पॉइंट हम ट्राइंगल के फॉर्मूले में रखेंगे, इसको जीरो कर देंगे, हमें करना क्या है हाफ इंटू, हमको ये फॉर्मूला पता है, ये वैल्यूज यहां रखनी है, इसको बराबर जीरो कर देंगे, इससे के की वैल्यू आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के 2 और हाफ, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। टू डिफरेंट डाई आर थ्रोन टुगेदर, दो डाई है अलग अलग तरीके मतलब एक साथ फेंके गए दोनों अलग अलग तरीके, प्रोबेबिलिटी निकालना है कि नंबर ऑब्टेन हैव इवन सम, इवन सम मतलब इवन सम कब आएगा, जब दोनों में ऑड है, एक 5 होगा तो इवन हो जाएगा, जैसे 3 और 2 है, 3 और 3 है तो 6 हो जाएगा, ऐसे जब दोनों में ऑड आएंगे तब आपको इवन मिलेगा। और इवन प्रोडक्ट, इवन प्रोडक्ट कब आएगा, इवन प्रोडक्ट कब आएगा, जब देखिए अगर मैं 3 3 से करूं तो 9 आता है, 5 2 से 10 करूं तो 5 2 से करूंगा तो 10 आएगा, तो मुझे सारे वैल्यूज ऐसे देखने पड़ेंगे जिसपे इवन प्रोडक्ट आएगा, तो एक एक करके देखना पड़ेगा। अगर मैं आउटकम देखूं इनका 1 5, इसके कॉम्बिनेशन बनाओ, मैं आपको दो कॉम्बिनेशन बना के दिखा दीजिए, 1 5 हो गया, 3 3 हो गया, और 5 और आपको इवन चाहिए, 5 और 4, एक काम करते हैं 4 और 2 ले लेते हैं, ऐसे आप सारे कॉम्बिनेशन बना लेंगे, वो कल मिला के 18 आएंगे। और पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ 6 आउटपुट आ सकते हैं 6 × 6 36, 18/36 हाफ होगा, ऐसे इवन प्रोडक्ट का ट्राई करिएगा। इवन प्रोडक्ट का मैंने एग्जांपल दिया, जैसे 5 × 2 5, 2 ये एक हो गया, और 4, 1 4 × 1 ये भी इवन हो गया, ऐसे आपके कुल मिला के 27 आएंगे। तो हमारे फेवरेबल केस 27 है, टोटल केस 36 है 3/4। इस फिगर में ए बी सी डी ये रेक्टेंगल है जिसका डायमेंशन है 21/14, एक सेमी सर्कल यहां पर बना दिया गया जो बीसी को डायमीटर लेके बनाया गया। आपको एरिया निकालना है, पैरामीटर निकालना है शेडेड रीजन का। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एबीसीडी का एरिया निकालेंगे, 21 × 14, इसका एरिया क्या होगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर पूरा एरिया होता है, आर क्या है इसमें, क्योंकि 14 वाला साइड है, तो ये 7 और 7 रेडियस का 7 हो जाएगा, तो पाई इंटू 7 × 7, लेकिन ये हाफ है तो हाफ कर देंगे, ये इसमें से घटाएंगे तो आपको ये शेडेड रीजन मिल जाएगा। अब इसका पैरामीटर निकालना है शेडेड का, तो आप क्या करेंगे, 21 + 14 + 21 ये तो हो गया, अब आपको ये वाला एरिया ये निकालना है, यानी कि पाई
टू पाई आर नहीं, केवल पाई आर, टू पाई आर का हाफ, पाई इंटू आर सात है, पाई इंटू सात, ये दोनों को ऐड कर देंगे आपका पेरिमीटर बन जाएगा। इसी तरीके से किया हुआ है आपको पूरे वाले 21 इंटू 14 में से ये पाई आर स्क्वायर हाफ हटा देंगे तो आपको 217 मिलेगा। इस तरीके से 21, 14 और 21 में आप ये ऐड करेंगे, कितना है पाई आर, आर क्या इतना है सात, ये आपका आ जाएगा 78। एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, रेन वाटर जो रूफ से, एक रूफ है इसका, ये 22/20 दिया हुआ है, ये ड्रेन होता है सिलेंड्रिकल ट्रैंक में जिसके डायमीटर भी दिया हुआ है, हाइट भी दिया हुआ है। यदि ट्रैंक फुल है आपको रेनफॉल निकालना है सेंटीमीटर में, यानी पूरा जितना आया उतना टैंक में चला गया, तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, इसमें कुछ करना नहीं है। वॉल्यूम जो रेन वाटर का रूफ पे ये है लेंथ इंटू ब्रेंथ इंटू हाइट, 22 इंटू 20 इंटू हाइट पता नहीं, पता अभी 22 इंटू 20 हाइट पता नहीं है, और क्योंकि यहां पर वॉल्यूम सिलेंड्रिकल ट्रैंक का है पाई आर स्क्वायर लेंगे, आर इसका क्योंकि डायमीटर 2 दिया है आर 1 लेंगे, हाइट 3.5 दिया हुआ है, इक्वेट करेंगे एच आपका 2.5 सेंटीमीटर आएगा। तो ये हुआ पार्ट डी 2017 आउटसाइड डेली जो पेपर आया था। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे।